안녕하세요. 저는 그리스예요. 오늘 제가 성경이야기를 읽어드릴 건데요. 제목은 मेरे लोगों को जाने दो। 이집트에서 생긴 나쁜 일이라는 이야기 읽어드릴게요. मूसा और हारून ने फिरौन से कहा, इसराइलियों का परमेश्वर कहता है कि तुम उसके लोगों को जाने दो, नहीं तो बुरी बातें तुम्हारे साथ होंगी। पर फिरौन ने उनकी नहीं सुनी।그래서 모세와 아론을 바로왕이가 찾아왔어요. 이스라엘 사람들을 놔주라고 했어요. 그랬더니 바로왕은 안 되라고 말했어요. 그래서 하나님이 보여주라고 한 거를 보여줬는데도 바로왕은 안 된다고 했어요. इसलिए परमेश्वर ने मिस्र में पानी को लहू में बदल दिया, कोई भी इसे पी न सका। तब उसने मिस्रियों के घरों को मेंढकों से भर दिया, हर तरफ मेंढक थे, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। 그래서 하느님은 이집트의 물들을 다 피로 만드셨어요. 그래도 바로왕이 안 된다고 해서 그 다음에는 개구리가 와서 사람들을 괴롭혔어요. 다이아몬드를 받았어요. 이슬리에 परमेश्वर ने मिस्र के आकाश को कुप्पियों से भर दिया, वो वहां धूल के समान भर गई। फिर उसने मिस्र के देश को डांसों से भर दिया, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। 날파리들이 막 그 다음에 또안 된다고 해서 날파리들이 막 돌아다녔어요. सारा पानी लहू में बदल गया तो फिरौन ने लोगों को जाने दिया था, सही या गलत? इसलिए परमेश्वर ने मिस्र के जानवरों को मार दिया, घोड़े, गधे, ऊंट, भेड़ें और बकरियां सब मर गए। फिर उसने मिस्री लोगों को फोड़े से पीड़ित किया, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। 동물들이 다 죽었어요. 그 다음에는 막 사람들 몸에 뭐가 났어요. परमेश्वर ने मिस्र की फसल का नाश करने के लिए ओलों की वर्षा भेजी, उनकी जौ और सन्न की फसल नष्ट हो गई। तब उसने बचे हुए फल को खाने के लिए टिड्डियां भेजी, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। 그 다음에 또 안 놔줘서 우박을 내린 다음에 사마귀들에게를 보내서 나무 곡식을 다 먹게 했어요.
इसलिए परमेश्वर ने देश में अंधकार भेजा, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। परमेश्वर ने कहा, मैं मिस्र में प्रत्येक पहिलौठों को मार दूंगा और सभी पशुओं के पहिलौठों को भी। पहली बार जब फिरौन ने इसराइलियों को जाने नहीं दिया तो मिस्रियों के साथ क्या हुआ? मेरे लोग एक मेमने को मारें, उसे खाएं और उसके लहू को उनके द्वार की चौखट पर लगाएं। मैं लहू को देखूंगा और उनके घरों को छोड़ दूंगा, उनके बच्चे नहीं मरेंगे। कुरेसा 하나님은 뭐 이스라엘 모든 가축과 아이들을 죽이고 결심했어요. 하지만 양을 죽여서 양의 피로 문 앞에 바르면 그 집은 그냥 바로 그냥 지나가겠다고 말씀하셨어요. इसे फसह कहोगे और सदा उसे याद रखोगे। इसराइलियों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, पर मिस्रियों के पहलौठे मर गए, यहां तक कि फिरौन का पुत्र भी। अंत में फिरौन ने सुनी और उसने इसराइलियों को जाने दिया। फारो वांगे आदरी जुवस्सयो। कुरेसो फारो वांगे सेंगाके बाकुगो हनानिमे बेक्संगदेरी दा जुवस्सयो। 우리 बातें मिस्र में हुई क्योंकि फिरौन ने परमेश्वर के लोगों को जाने नहीं दिया था, सही या गलत?해볼게요. 여기를 열면 우리가 이때까지 첫 순서대로 나와요.
그러니까 4개씩 내연하면 막 주지 않을까? 4개씩 하면? 그럼 다섯 줄. 자네 네, 오늘은 제가 성경 이야기를 읽어드렸는데요. 재밌었네요. 그럼 또 다음번엔 더 재밌는 이야기를 읽어드릴게요. 네. 하고, 영어로는 제목이 미리 로건 꾸 자네도 Let My People Go예요. 영어로는. 별을 몇개 만지. 이건 다한 개씩이에요. 스토리를 다 읽은 거한 개씩밖에 못 받았거든요. 한개더 있는 거 같아요. 이건 다 모아야 돼요. 이거 하나도 안 모았나. 다이아몬드를 볼게요. 다이아몬드는 이런 것들을 이때까지 모은 걸알수 있는데요. 다음번엔 더 재밌는 이야기를 읽어드릴게요. 그럼 안녕. 더 재밌는 이야기를 읽어드릴게요. 더 재밌는 이야기를 읽어드릴게요. 그러면 안녕.